इस शुक्रवार की सुबह माहौल पहले से ही बन चुका है निफ्टी के लिए नया रिकॉर्ड हाई कायम करने के लिए, जिसमें अहम कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, उम्मीद यह है कि फेड के एक्शन के चलते यूएस इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। दूसरा, रातों रात वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड हाइज देखने को मिले। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2548 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2013 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज भी बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ बुलिश रहने का अनुमान है। निफ्टी के टेक्निकल्स हायर हाई हायर लो प्ले जताते हुए, ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.47 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फिर अनचार्टेड टेरिटरी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी नए रिकॉर्ड हाइस की ओर अग्रेसर है, इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि दलाल स्ट्रीट में अच्छा मूड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बुधवार को फेडरल रिजर्व द्वारा 50 बेसिस पॉइंट का बड़ा रेट कट देखने को मिला था। साथ साथ रातों रात वॉल स्ट्रीट पर भी अच्छा उछाल नजर आया, जहां पे S&P 500 और डाउ जोन्स ने नए रिकॉर्ड हाइस कायम किए। संक्षेप में कहें तो हमें लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की खुशी में निफ्टी और ऊपर बढ़ सकता है और हफ्ते का अंत भी अच्छे नोट पर कर सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,416, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,317 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,701 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,350 से 25,750 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,038, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 52,750 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,359 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 52,700 से 53,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। कल के व्यापार में निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 25,612 मार्क पर, और उससे भी बड़ी बात यह रही कि बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म कर गया। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो स्टेट रन NTPC के ग्रीन एनर्जी आर्म ने एक IPO के लिए फाइल किया है $1.2 बिलियन के। यह कंपनी NTPC की स्टेट ओन्ड पावर प्रोड्यूसर है, जो नए शेयर इश्यू करने वाले है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक नहीं बेचने वाले हैं, जो ड्राफ्ट पेपर्स में देखने को मिला। दूसरा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस में 7.5% की गिरावट नजर आई कल के व्यापार में प्रॉफिट बुकिंग के चलते। लिस्टिंग के दिन यानी कि सोमवार को शेयर प्राइस ने ₹188.50 का नया रिकॉर्ड हाई कायम किया था। तीसरा, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स 19% नीचे गिरे, इंडस टावर के शेयर्स 8% नीचे गिरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की प्ली को रिजेक्ट किया, जिसमें वे रिकॉम्पिटिशन करना चाहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज का। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,506, प्रीमियम प्लस 90, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और स्क्वायर 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और स्क्वायर 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स मंडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में UBL, नौकरी, AU बैंक, ओबेरॉय रियल्टी, टाइटन। शॉर्ट कवरिंग में परसिस्टेंट सिस्टम, SBI कार्ड, नेस्ले इंडिया, वोल्टास, पिडिलाइट। शॉर्ट बिल्डअप में आइडिया, चंबल फर्टिलाइजर, इंडस्टार, HAL, ABB। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोरोमंडल, GNFC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, MCX, क्यूमिंस इंडिया। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस कंटेंट इज प्योरली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड इन नो वे टू बी कंसिडर्ड एज एन एडवाइस और रिकमेंडेशन।